भूतं च भव्यं च सर्वं यश्चाधितिष्ठति स्वर्यस्य च केवलं तस्मै ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः। भगवान मेरी नैया उस पार लगा देना, अब तक तो निभाया है आगे भी निभा देना। उपस्थित पवित्र आत्माओं, पूजा की योग माताओं, देवियों, सज्जनों, आपसे चर्चा हम कर रहे थे। भस्मांतम शरीरम, शरीर भस्म हो जाता है, आत्मा अजर है, अमर है, अविनाशी है। ऋग्वेद, ज्ञान वेद और यजुर्वेद को मैं कहूं तो कर्म वेद, चारों वेदों के बारे में आप सरल ढंग से समझ सकते हैं जब इसके मूल धातुओं पर जाते हैं। विद ज्ञाने, विद सत्तायाम, विद विचारने और विद्रि लाभे, ज्ञान विज्ञान का सार इस वेद के अंदर में है। आओ हम संसार के अंदर उस ज्ञान को कर्म में लाने का प्रयास करें। अब प्रश्न पैदा होता है कि कौन सा कर्म पुण्य है और कौन सा कर्म पापमय है। विचार करना, जब भी कोई व्यक्ति रात के अंधेरे में गलत काम करता है, चोर चोरी करता है, तो अंदर से आवाज आती, कोई देख न ले। दो आदमी किसी तीसरे के बारे में बातचीत कर रहा हो तो अंदर से आवाज आती, कोई सुन न ले। समझना, ये पाप कर्म। और जब कोई व्यक्ति अच्छा काम करता है तो अंदर से आवाज आती, कोई मुझे देखे, देखो मैं सेवा में लगा हुआ हूं, कोई मुझे सुने, मैं हित की बात कर रहा हूं। यह ऐसा ही है कि जैसे बच्चों को आप देखते हैं, जब बच्चा परीक्षा में पास हो जाता है वो दौड़ते हुए आता है और कहता है, माँ मैं पास हो गया। नजर से नजर मिल जाती, कोई भय नहीं, कोई चिंता नहीं। और जो बच्चा इम्तिहान में फेल हो जाता है, धीरे धीरे आता है, माँ पूछती, क्यों बेटे फेल हुए को पास? बच्चे का सिर झुक जाता है और दबी जुबान से कहता है, माँ मेरे कक्षा के सारे विद्यार्थी फेल हो गए। माँ कहती, बेटे उलझाओ मत, तुम बताओ तुम फेल हुए कि पास? बच्चे के शरीर से पसीना आता है और बड़ा भयभीत होके कहता है, माँ मेरा दोस्त विवेक भी फेल हो गया। माँ कहती, बेटे उलझाओ मत, तुम बताओ तुम फेल हुए हो कि पास? बच्चा लड़खड़ाती हुई जुबान से कहता है, माँ क्षमा करना, मैं भी फेल हो गया। जिसके जीवन में पाप कर्म है वो चीखता चिल्लाता है, और जिसके जीवन में जब पुण्य कर्म होते हैं तो वो व्यक्ति हर हाल में प्रसन्न चित्त रहता है। उसकी एक ही प्रार्थना होती है, सुख भी तो तुम्हारे हैं, दुख भी तो तुम्हारे हैं, छोड़ू मैं किसे भगवान, दोनों ही तुम्हारे। किसी प्रकार का कोई शिकवा और शिकायत नहीं है, समर्पण कर देता है। इसीलिए कहा गया है, जब आए इस जगत में जग हंसा हम रोए, ऐसी करनी कर चलो हम हंसे जग रोए। विशेषकर मैं बुजुर्गों से कहना चाहूंगा, 65 साल के बाद भी कोई व्यक्ति रिटायर हो गया हो, वो सामाजिक सेवा जरूर करें। गृहस्थियों के लिए मैं संदेश देना चाहूंगा कि 7 दिनों में 1 घंटा कम से कम समाज की सेवा में लगाएं। कई बार लोग कहते हैं, शास्त्री जी हमें किसी से क्या लेना देना, हम घर से दफ्तर तक, दफ्तर से घर तक संबंध रखते हैं, बाकी किसी से कोई मतलब नहीं। ध्यान देना, ये मत सोचो कि मुझे किसी की जरूरत नहीं पड़ेगी। 4 कंधों के बिना अर्थी भी आगे नहीं बढ़ेगी, उसमें भी 4 कंधे चाहिए। तो सामाजिक होना बहुत जरूरी है। इसलिए जीवन के अंदर आदमी यदि चाहता है मैं दीर्घायु को प्राप्त हूं, तो इंसान कर्म में लगा रहे। और बड़ी अद्भुत बात स्वामी दयानंद कहते हैं,
मैं चाहूंगा कि लोग इसकी वॉल राइटिंग करते हुए लिखाएं, लोगों में वितरित करें। और बड़ी अद्भुत बात स्वामी दयानंद जी कहते हैं, जो व्यक्ति संसार का जितना जितना परोपकार परहित करता है ईश्वर की व्यवस्था में उतना उतना सुखी होता है। तो जो भी व्यक्ति परोपकार परहित करेगा ईश्वर की व्यवस्था में वो सुखी रहता है। तो इसीलिए आओ, भगवान वेद का एक संदेश है कि ओ दुनिया के लोगों, तुम श्रेष्ठ कर्मों को करते हुए आगे बढ़ो, उन्नति की दिशा में आगे बढ़ो। और अद्भुत बात वेद कह रहा है, क्या कह रहा है कि देखो, संसार के अंदर चराचर जगत में कुछ कार्य ऐसे हो रहे हैं जो हमें बहुत प्रेरणा देती है। और यदि इस तत्व को आप समझ जाएंगे तो परमात्मा से प्रेम हो जाएगा। स्वामी दयानंद महाराज अल्प समय में यदि बहुत ज्यादा काम कर पाए उसका श्रेय मैं देता हूं, ईश्वर भक्ति और ब्रह्मचर्य। परमात्मा की कृपाओं के बिना कोई काम संभव नहीं है। इसलिए ऋषि दयानंद कह रहे हैं, हे ईश्वर दयानिधे भवत कृपया ने जपोपासनादि कर्मणा धर्मार्थ काम मोक्षाणम सद्य सिद्धिर भवेन्न। ईश्वर की कृपा होना बहुत जरूरी है। अब विचार करें कि जिस अग्निमीड़े पुरोहितम मंत्र का हमने पाठ किया कि उस अग्नि परमात्मा की स्तुति करो, उसकी प्रार्थना करो, तो उस परमात्मा से प्रेम कैसे हो। मैं अनुभव से कहना चाहता हूं कि परमात्मा से प्रेम तब संभव है जब आदमी निर्मल मन होता है। और वेद फिर कह रहा है, विश्वदानिम सुमनसस्याम, जब मन पवित्र हो जाता है तो परमात्मा की कृपाएं हो जाती हैं। कई बार मुझे लगता है कि आदमी दोहरा जीवन जी रहा है। रविवार का दिन हो, कोई आदमी दरवाजा खटखटा दे तो आदमी अंदर से सोचेगा पता नहीं कौन आ गया मुझे डिस्टर्ब करने के लिए। और जैसे ही आदमी दरवाजा खोलता है, ओह चोपड़ा क्या हाल है, मैं आपके बारे में बात कर रहा था, आप ठंडा लेंगे गर्म लेंगे। नादानी भरी बातें, इससे कोई जीवन नहीं बनता है। इसलिए मेरा सूत्र है, दीप जलता नहीं अगर उसमें तेल नहीं होता, मन में यदि मैल है तो प्रभु से मेल नहीं होता। पूरी संध्या के अंदर में आप देखेंगे निर्मल मन करने के लिए क्या प्रार्थना की जा रही है, यो अस्मान वेष्टि यम च वयम दिस्म तंबे जम्भे दद्मः। जीवन में जब राग द्वेष समाप्त हो जाता है तब परमात्मा से संबंध होता है। अब विचार कीजिए, उस परम सत्ता से संबंध कैसे स्थापित हो। तो एक ही बात मैं कहना चाहता हूं दुनिया के लोगों कि परमात्मा अभिव्यक्ति का विषय नहीं है अपितु अनुभूति का विषय। इस सूत्र को याद रखो, क्योंकि अभिव्यक्ति का विषय नहीं, अनुभूति का विषय। आप अनुभव कीजिए, जो चीज आपको दिखाई दे रही है उसमें ताकत कम है। पानी आपको दिखाई दे रहा है, इसके बिना भी आप काफी दिन जिंदा रह सकते हैं। रोटी आपको दिखाई दे रही है, इस रोटी के बिना भी आदमी कई दिन भूखा रह सकता है, ये दिखाई दे रही है। परंतु हवा आपको दिखाई नहीं दे रही है, और हवा के बिना आप एक सेकंड भी जिंदा नहीं रह सकते। फिर भी हवा की सत्ता को आप मानते कि नहीं मानते। इसलिए संसार के अंदर देखो, वेद फिर कह रहा है, पश्य देवस्य काव्यम न ममारन न जिर्यति। उस परमात्मा के दिव्य काव्य को देखो और बड़ी भावना के साथ देखोगे तो परमात्मा से प्रेम हो जाएगा। और मैं अनुभव के साथ कहता हूं, और वो क्या है काव्य, एक है पपीता, दूसरा है धान। विचार करना, लाखों लोग देख रहे हैं कि आम पक रहा है, नीचे गिर रहा है, परंतु ये जानने की कोशिश नहीं की लोगों ने कि नीचे क्यों गिरता, ऊपर क्यों नहीं। परंतु जिस ऋषि मुनियों ने साक्षात्कार किया कि इस पृथ्वी में गुरुत्वाकर्षण है, तो चमत्कार पैदा हो गए। बस ऐसे ही पपीता को देखिए, गांव का व्यक्ति कुएं के किनारे पपीता का पौध लगा देता, और बड़े मजे की बात है कि एक पेड़ में 40 फल से कम फल तो नहीं लगते, ज्यादा ही लगते हैं। परंतु प्रभु की दिव्य लीला को देखो सज्जनों, सारे फल इकट्ठे नहीं पकते। ये परमात्मा का चमत्कार है, हम देखते हुए भी नहीं देख पा रहे हैं। और जानते हो क्या है, पेड़ लगे हैं 10, घर के सदस्य हैं 10, एक पेड़ में लगा 40 फल और 10 पेड़ में लग गए 400 फल यदि एक ही दिन में पक जाएगा तो सारा फल सड़ जाएगा।
भगवान चाहते हैं इस फल को तुम देर तक खाते रहो, इसलिए भगवान की ये महिमा है, सारे फल इकट्ठे नहीं पकते। दूसरी ओर देखिए, धान को देखें। धान को जब किसान बोता है, उसका पौध जब बड़ा हो जाता है, तो यदि एक पौध में यदि 100 दाने हैं, तो प्रभु का चमत्कार देखो, सारे दाने इकट्ठे पकते हैं। यहां यदि पपीते जैसा सिस्टम होता तो किसान खेती नहीं कर सकता। 50 कच्चे होते, 50 पक्के होते तो किसान खेती नहीं कर सकता। प्रभु का चमत्कार देखो, धान जब पकता है तो इकट्ठे पकता है। बस इस सृष्टि को निहारो, सृष्टि को देखो, तो परमात्मा की आपको याद आएगी। इसलिए जीवन के अंदर दिव्य लीलाएं होती है, परमात्मा के दिव्य कर्तव्य हमें दिखाई दे रहे हैं। इसलिए आओ, जब प्रेम पूर्वक इन चीजों को हम देखते हैं, तब बार बार हमें कहना पड़ता है, भूयिष्ठान्ते नमो उक्तिम विधेम, हे प्रभु आपको हम बार बार नमन करते हैं, ऐसा मन करता है। दूसरी बात मैं आपसे पूछना चाहता हूं, पानी की टंकी सबसे ऊपर में, और जानते हो यदि चिड़िया ना होती तो एरोप्लेन का आविष्कार नहीं हो पाता। ऐसी पानी की टंकी हर व्यक्ति ऊपर फ्लोर में रखता है, टॉप फ्लोर में। यह भी एक प्रभु का चमत्कार है। भगवान से पूछो, भगवान आपके पास कोई पानी की टंकी है? वो बादल है। और वेद में सुंदर उपमाएं आई है, सूर्य चंद्र उनकी आंखें हैं, यस्य में हिमवंतो, अद्भुत शब्द आते हैं, मंत्र आते हैं, विराट सृष्टि का दर्शन होता है। आपसे मैं पूछूं, यदि आपके पानी की टंकी में यदि चूहा गिर जाए तो क्या करोगे? आप स्वीपर को बुलाओगे, गंदा पानी को फेंकवाओगे, और बाल्टी से भर करके जब गंदे पानी को जब छत के ऊपर डालेगा, टूटी के धार से पानी नीचे गिरेगा, ग्राउंड फ्लोर वालों को भी परेशान करेगा। भगवान भी यदि सोचने लग जाए, भाई मेरे पास भी एक बादल की बहुत बड़ी टंकी है और इतनी मोटी मोटी धार बना करके इस धरती पे मैं भेजूं, तो बोलो क्या होगा? मोटी मोटी धार बनकर यदि पृथ्वी पे पानी भेजने लगे तो बोलो क्या होगा? चींटी नष्ट हो जाएगी, चलता हुआ आदमी मर जाएगा, मकान टूट जाएंगे, गाड़ियां नष्ट हो जाएगी, परंतु परमात्मा कितना दयालु है, बूंद बूंद करके पानी को बरसाता है, आपके सिर को चोट तक नहीं लगती। बोलो प्रभु का दर्शन हुआ कि नहीं हुआ? जब ऐसी विचारधारा आपके जीवन में आएगी तो मनुष्य अनंत सुखों को प्राप्त कर सकता है। इसलिए जीवन के अंदर श्रेष्ठ कर्मों को करते रहना चाहिए, जीवन में उन्नतिशील होना चाहिए। इसलिए ऋग्वेद प्रारंभ होता अग्निमीड़े से और जब समापन किया जाता है संग छद्म, और धन्य है ऋषि, यजुर्वेद के ऋषि, मंत्र दृष्टा ऋषि, वायु ऋषि। जानते हो जब यजुर्वेद प्रारंभ होता है तो इसे त्वा, अन्न के लिए अर्थ यही है, और जब यजुर्वेद का समापन हो जाता है तो जानते हो अग्ने नय सुपथा, धन जो भी कमाओ विचार करना सुमार्ग से आना चाहिए। रमंताम पुण्य लक्ष्मी, और मैं देख रहा हूं जब कभी आप अनुभव करें कि जिंदगी के अंदर में एक जमाना था, एक आदमी कमाता था, 9 लोग खाते थे, जिसको हम कहते थे पैसे में बरकत थी। आज 9 लोग कमा रहे हैं तो भी 2 बच्चे नहीं पल पा रहे हैं, क्योंकि पैसे में बरकत नहीं, विचार करना। तो वेद का संदेश कितना अद्भुत है, रमंताम पुण्य लक्ष्मी, आपके घर में नेक कमाई का जो पैसा हो वो लक्ष्मी रमन करे। तो जीवन में बहुत जरूरी है कि लक्ष्मी कैसी हो, जो सात्विक कमाई से उपलब्ध हो वह लक्ष्मी, वह धन होना चाहिए। इसलिए वेदों में कहीं पर धन कमाने के लिए मना नहीं। यदि आप वेद मंत्रों का अर्थ पढ़ें, अद्भुत प्रार्थना है, वयम श्याम पतयोरेणाम, हम धन ऐश्वर्यों के स्वामी बने, उसके दास नहीं बने। तो जीवन की बहुत बड़ी सच्चाई है, कर्म खोटे हैं तो ईश्वर के गुण गाने से क्या होगा, किया परहेज ना कोई तो दवा खाने से क्या होगा। इसलिए जीवन के अंदर में जो कमाई हो नेक कमाई होनी चाहिए। धन्य है दुनिया के लोगों, ऋषि दयानंद ने संदेश दिया था, श्रेष्ठ कर्म करने वाला इंसान जीवन में कितना उन्नति कर सकता है, आगे बढ़ सकता है। इसलिए ऋषि दयानंद ने एक अद्भुत बात कही कि ओ दुनिया के लोगों, तुम मनुष्य बन जाओ। और दुनिया में ऋषि दयानंद के सिवाय मनुष्य की इतनी सुंदर परिभाषा आज तक किसी ने नहीं दी। और जानते हो मनुष्य कौन है? मनुष्य वह है जो मनन करे, स्वात्ममत अन्यों के सुख दुख को समझे,
और यहां तक अन्यायकारी चक्रवर्ती राजा से भी ना डरे, धर्मात्मा निर्बल से भी डरे, उसी का नाम क्या है? मनुष्य। जब मनुष्य के जीवन में मानवता आ जाती है तो जीवन के अंदर में श्रेष्ठ कर्म करने के लिए आगे बढ़ जाता है। अब प्रश्न आगे आता है, कई लोग मुझसे आकर प्रश्न करते हैं, शास्त्री जी मैंने इतने पाठ किए, मैंने ये किया वो किया, मैंने ये बनाया वो बनाया, परंतु मेरे पोते को कैंसर क्यों हो गया? और आज देखें ये बड़ा यक्ष प्रश्न है, ऐसा हो रहा है। लोग कहते हैं कि शास्त्री जी फिर भगवान कहाँ है? याद रखो, यदि कोई व्यक्ति पुण्य कर्म करता है तो उसका फल पुण्य ही मिलता है, और यदि कोई पाप कर्म करता है उसका फल पाप ही मिलता है, दुख ही मिलता है। ये जीवन की बहुत बड़ी सच्चाई है। क्योंकि याद रखना, जिस बीज को आप धरती में डालते हैं तो पनपने के लिए समय लगता है, और जब चाणक्य के शरण में जाओगे तो अद्भुत बात कहते हैं, अन्यायोपार्जितम द्रव्यम 10 वर्षाणि तिष्ठति, प्राप्ते तु एकादशे वर्षे मूलम च विनश्यति। अन्याय से कमाया हुआ धन 10 वर्ष तक बहुत फलता फूलता है, और जैसी 11वां साल होता है तो वैसे ही धीरे धीरे मूल सहित नष्ट हो जाता है। तो जीवन की एक बहुत बड़ी सच्चाई है कि जीवन में जो आदमी पुण्य करता है उसका फल पुण्य ही प्राप्त होता है, जो आदमी पाप कर्म करता है उसके जीवन में दुख ही दुख होता है। इसीलिए कभी मत सोचो कि जीवन के अंदर हम अच्छा काम कर रहे हैं तो दुखी हैं, ऐसा नहीं। यदि हम अच्छा काम करते हुए दुख प्राप्त कर रहे हैं तो पिछला कर्म हमारा आता है। इसलिए जीवन की बहुत बड़ी सच्चाई है, काया नहीं कर्म अमर होता है, धन नहीं धर्म अमर होता है। साथ ही साथ सभी महानुभावों से मैं निवेदन करना चाहूंगा इस सत्र में, और इस पंक्ति को आप लोग दिल की डायरी में नोट करें, अच्छी बातों को अच्छा कहो ही नहीं करो भी, और बुरी बातों को बुरा कहो ही नहीं छोड़ो भी। यही मेरा संदेश है। बहुत बहुत शुभकामनाएं। ओम शांति।